हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक अंजना। आज हमारे साथ डॉक्टर अनिकेत, जिन्होंने किर्गिस्तान से अपना एमबीबीएस किया है और रिसेंटली नीट पीजी 2023 में इन्होंने 884 रैंक सिक्योर किया है। तो थ्री डिजिट रैंक लाना ही आई थिंक एक बहुत बड़ी बात होती है, और फिर बीइंग एफएमजी अगर आप ला रहे हो तो वो और भी बड़ी बात होती है। तो आज हम इनसे इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इन्होंने इतनी अच्छी रैंक स्कोर करी और क्या क्या इनकी स्ट्रेटजीज थी, खासकर एफएमजी के टाइम पे, फिर एफएमजी से नीट पीजी में, और वो भी इन सब ने इंटर्नशिप के साथ। अभी इनकी इंटर्नशिप जस्ट खत्म हुई है, तो मतलब इंटर्नशिप के साथ ही प्रिपरेशन करके इन्होंने ये जो है 884 रैंक स्कोर करी है। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर अनिकेत, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, Dr. Ranjan. Hello, everyone. Myself, Aniket Ranjan, and I did my MBBS from Kyrgyzstan Post State Medical University, and I just passed out in 2021, and I cleared FMG in first attempt in December 2021 only. I secured 239 in first attempt only, and then I joined the internship. During internship also, I have prepared for NEET PG, and I have given my efforts. And in 2023, I attempted NEET PG for the first time, and I have secured 884 in 631 marks. ओके, सो कॉलेज टाइम की में जब एफएमजी से, जब अपन कॉलेज टाइम पे, आपने कब से पढ़ना चालू करा था, कैसे पढ़ते थे, क्या स्टडीज होती थी पढ़ाई की कॉलेज टाइम में? कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर में सब मस्ती करते हैं, हमने भी मस्ती किया है। ये फैक्ट है जो जो सच है, हाँ सच है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतनी पढ़ाई नहीं हुई, थर्ड ईयर में पता चला कि हमें पढ़ना भी है, एनसीए भी देना है। तो हमारे सीनियर बोलते थे कि यार तुम मेडिसिन मत पढ़ो, तुम फार्मा तो पढ़ के जाओ, हो जाएगा तुम्हारा। मैंने कहा ऐसा थोड़ा होता है, सब पढ़ना जरूरी है। तो उस टाइम पे वैसा होता था यार, उस टाइम पे क्लियर भी नहीं होता था। उस टाइम पे हमें गाइड करने के लिए भी कोई नहीं था, ऐसे प्लेटफॉर्म भी नहीं थे। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए ऑनलाइन भी। उस टाइम पे जो मतलब नजीब के वीडियोस थे पहले, तो वही से शुरुआत हुई। फिर बीडी चौरसिया धीरे धीरे आगे आगे बढ़ने लगा। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ही जो हुआ है, मेरा जो कर्व होता है ना, वो शिफ्ट हुआ कि हाँ पढ़ना है करके। और ज्यादातर को ऐसे ही मोटिवेशन तभी आता है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके। हाँ तभी आती है कि भाई हाँ अब तो पढ़ना, अब तो सही बात है। तो फिर अपन उस समय जब कॉलेज में थे तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई हो जाती थी अपनी, या कोई क्लासेस भी बहुत सारी होती थी ना, तो उसको मिक्सअप कैसे करते थे? थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ऐसा होता था कि जैसे अगर क्लास हो गया तो क्लास के और दूसरे क्लास के बीच में थोड़ा गैप होता था, उस टाइम में पढ़ लिया। या फिर अगर क्लास में कोई टॉपिक है तो वो पढ़ के अच्छे से पढ़ के चला गया, उसके नोट्स बना लिए। ठीक है, तो ऐसा होता था कि हाँ क्लास के भी टॉपिक्स और अपने पढ़ाई थोड़ा बहुत ओवरलैप करते थे, लेकिन कोई नहीं, अपनी भी पढ़ाई चल रही थी और क्लास के लिए भी प्रिपरेशन हो रहा था, तो दोनों एक साथ तो ये हो रहा बिल्कुल था। उसमें कॉलेज में बिल्कुल वो टॉपर रेट डिग्री वाले स्टूडेंट्स थे क्या? क्या बोल रहे, कॉलेज टाइम में बिल्कुल वो रेट डिग्री वाला सिस्टम होता था ना, आपके वहां होता था क्या? अच्छा नहीं हमारे यहाँ वैसा नहीं होता था, हमारे यहाँ मॉड्यूल टाइप अच्छा होता था। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। हाँ कि दो मॉड्यूल होते थे, कोई भी सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद हमें एग्जाम देना होता था, एक अच्छा एमसीक्यू अच्छा वाला। तो ठीक दो ठीक मॉड्यूल के मिला के 30 30 60 और 40 मार्क्स की एमसीक्यू एग्जाम होती थी, तो पूरा 100 हो गए। तो एक हाँ मॉड्यूल में 30 में से आप मतलब टोटल ओवर 60 में से आपको 31 लाना है पास होने के लिए। तो कभी ठीक कभार फेल भी हो जाता था वो ये फेल बुरी भी बात फेल थी तो होते हैं यार। मेरा एफएमजी हुआ, मैं एक बार अपने कॉलेज टाइम में एक सीवीएस सिस्टम में मुझे एक टीचर ने 3 साल रोक के रखा था। अरे यार मैं हिस्टोलॉजी में फेल हुआ था, मेरे को आज तक ना शर्म आती है कोई पूछेगा किस में फेल हुआ था कि हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में, और मुझे बहुत रोना आया। वो बोलते घर तेरे को एग्जाम अटेंड करने नहीं दूंगी। मैंने तो बोला ना मतलब ये उन लोगों के लिए है भाई कि अगर आप सोच रहे हो कॉलेज टाइम में कि भाई नहीं अपन कॉलेज में किस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो उससे आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड होता है भाई। वो ऑब्वियसली उस समय वो चीजें इतना मेच्योरिटी भी नहीं थी ना, हमें भी इतनी मेच्योरिटी नहीं थी उस टाइम सही पे, उस बात, समय इतना वो जस्ट 12th 12th पास होके गए थे वहां पे, हमें क्या हाँ पता क्या पता था क्या होगा क्या नहीं था। होगा, बुक पकड़ा दिया इतना बड़ा, पता नहीं क्या समझ में नहीं ना कोई आता इतना कोई क्या। गाइडेंस, बिना ना किसी कोई गाइडेंस गाइड के, करने टीचर वाला क्या बोल रहा है उसकी नहीं जो समझ आ रही है, पढ़ के आ रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा है। तो धीरे वही धीरे होता है सब कुछ, ये नहीं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए एक साथ। सही बात, टाइम लगेगा, वही बात है। जब तक जो डिग्री जब तक खत्म हुई, जब डिग्री लेके जब इंडिया आए, उससे पहले आपके कितने सब्जेक्ट खत्म हो गए थे? उसके अच्छा डिग्री लेने से पहले मतलब 6 ईयर तक, हाँ 6 साल, 6th ईयर तक। हाँ फिर 6th ईयर में मैंने शायद सारे एक बार कर लिए थे, एक वीक बार कर लिए थे। सब हो गया था, सारे हो और गए थे। कहाँ कहाँ से स्टार्ट करी थी अपने पढ़ाई?
हाँ, तो फोर्थ ईयर तक हुआ कि फोर्थ ईयर 2019 के आसपास ये आ गई थी, प्रेपलेटर लॉन्च होगी, तो हाँ उस टाइम पे मुझे और कुछ नहीं पता था कि, और मैंने देखा ठीक प्रेपलेटर में, और गोविंद राय गर्ग सर का नाम बहुत ये था, सुना था फार्मा के लिए, और फार्मा मेरी कमजोर थी, तो मैंने यार एक पहले इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब्जेक्ट लिया मैंने, फिर मैंने देखा यार कि सारे ले लेता हूँ एक साथ हो जाएगा, तो फिफ्थ ईयर और सिक्स ईयर पूरा चला गया सारे अच्छे से कंप्लीट करने में, ओके। तो मतलब एक सिक्स से एक जब ईयर अपन बाद इंडिया आए थे तब तो अपने सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए थे। हो गया फिर। हो ओके ठीक है। और इंडिया ने एक बार फिर अपने कोचिंग करी थी या फिर जो अपन ने पढ़ा था वही स्टार्ट करा रिवीजन करना एफएमजी के लिए। नहीं, मैंने कभी कोचिंग ज्वाइन तो नहीं किया, और मैंने अपने हमेशा सेल्फ स्टडी किया है, अकेले हमेशा जो ठीक भी है। जितना भी हो, जितना इधर उधर से जितना भी मैंने किया, अपने नोट्स बनाए मैंने तो दिखे, और तो ये प्रेप वही, में खुद के नोट्स बनाए थे या फिर लोग प्रिंटेड नोट्स यूज करते थे। नहीं मैंने कभी खरीदे नहीं, नोट्स अपने ही बनाए थे अच्छा पूरा। खुद के नोट्स ऊपर। हाँ क्योंकि आपने फोर्थ ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था बनाना करना फिफ्थ ईयर से हाँ, लगभग। मतलब एक साल ऑब्वियसली किसी बाद एक साल होगा तो नहीं बना सकता ना, पॉसिबल ही नहीं वो चीज़ तो। और उस टाइम पे 2020 में कोविड भी आ गया था, तो हमें टाइम ही टाइम हाँ मिला था, टाइम ही टाइम ठीक है, फ्री तो टाइम तो फ्री उस टाइम टाइम को पे उसको तो यूटिलाइज कर लिया अपन। हाँ बिल्कुल यूटिलाइज कर बिल्कुल। लिया, और ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ रहे थे यार, बहुत मस्ती मजाक भी चलता था हाँ वो तो 20 उसका टाइम तो उस ये टाइम का वो तो वो चल, वंदे भारत वाली फ्लाइट वाली टाइम है ना वो। सब सब हाँ उसी में ही आए हम मुझे भी वही लगता वाले हैं। हम भी उसी हम उसी साल है उस साल हमारा फाइनल हो गया था। हम तो आ गए थे। हाँ, आप लोग का फाइनल ऐसा आया था, हाँ हाँ हमारा फाइनल हो आपका गया था पास। तो हम तो वो करके मतलब उसमें फिर डायरेक्ट आ ही गए थे घर पे भी। खत्म हमारा काम हो अच्छा, गया था। नहीं हम आए भी थे फिर गए भी हाँ थे वापस वापस, गए भी क्योंकि थे। क्योंकि उन्होंने, उस वाले ने बोल दिया नहीं आपको एक साल अप्लाई के करना मजे पड़ेगा रह तभी गए देख, हाँ वरना यहाँ पे आके फिर 2 साल की काटनी पड़ती ना, इसीलिए मैं बच गया थे। अभी सही शुरू बात कर है रही है ना सही बात है। बहुत सालों के बाद लफड़े हो गए थे ऐसा। पिछले साल कुछ लोग ऐसा बोलता कि पीजी में अच्छी रैंक आ गई थी फिर बाद में जाके उनको बहुत लफड़े हुए कि भाई काउंसलिंग में मैंने ये बोला तो वो अच्छा है कम से कम उस चीज का। तो फिर अपन ने जब एफएमजी क्लियर करी एफएमजी में आपके इतने अच्छे नंबर आए तो एफएमजी आने क्योंकि एफएमजी की जो प्रिपरेशन थी वो इंडिया क्योंकि चलो कॉलेज की बात अलग थी फिर जैसे फिर इंडिया है फिर जो 4-5 महीने मिले वो उसको कैसे यूटिलाइज करा अपन ने। मैं इंडिया आ गया था जुलाई 28 तक, और ठीक एग्जाम है थी दिसंबर 12 में, तो मुझे पूरा ठीक पूरा याद है, मुझे मेरे पास टोटली टोटली 5 महीने थे, तो मुझे 5 महीने ये था कि चलो कोई नहीं अब घर मैं करता हूँ फोन ऑफ, मैंने फोन ऑफ कर दिया था पूरा लिटरली, मैंने बहुत डर लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर वो होता है सबको होता है नर्वस पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो मैंने फोन ऑफ कर दिया था, सारे सोशल मीडिया वगैरह डिलीट कर दिए थे, वो सब सुना सुना है कि फोकस करना है, और मैंने दिया अपना पूरा 5 महीना दिया सारे, मतलब तीन तीन चार चार बार मैंने सबके रिवीजन कर लिए थे एग्जाम से पहले, चार चार बार रिवीजन हो गए थे सारे सब्जेक्ट के, और 5 महीने में लगभग, और एमसीक्यू मैंने करना शुरू किया था 3रे महीने से, ठीक है। और लास्ट के महीने से ही मैंने ग्रांटेस देना शुरू कर दिया था, वो ग्रांटेस्ट तो क्या नंबर आते थे। ग्रांटेस्ट में पहली 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 बार आया था मेरा कितना 180 आया था, चलो मैंने लगा कि यार चलो पास तो हो जाऊं ठीक है, वो डर रहता है, मुझे लगता था कि यार इसमें ज्यादा दिखा रहा है शायद उसमें कम आ जाए, तो फियर एक्चुअली मेरा ड्रिवन मोटिवेशन फियर ही था मेरा, कि मुझे बहुत डर सही लगता बात। था कि काश मैं फेल ना हो जाऊं, फिर क्या मुंह दिखाऊंगा अपने रिलेटिव्स को अपने घर वालों को, तो वो होता है यार सब। एफएमजी से डरने वाला इंसान नीट पीजी में 884 रैंक कैसे लेके आ गया फिर। वो तो पहले FMG पहला एग्जाम होता है, सब सबको डर लगता है, फिर ऑब्वियसली वो एक नीट ऑल के इंडिया क्योंकि बाद एक नीट पीजी का में ऑलरेडी हमको एक वो रहता है बैक माइंड में कि हम वो नहीं कर पाए थे। हाँ तो नीट यूजी का भी तो एक था ना माइंड में रहता है कि यार अब पहले नीट यूजी नहीं कर पाए थे अब एक प्रेशर रहता है हाँ 6 साल का प्रेशर है। एक्चुअली बात यह ना, नीट UG के टाइम हमारे 2015 में AIPMT था हाँ एवीएम याद था। है, हाँ हाँ AIPMT था, उस टाइम में नीट नहीं था, AIPMT, और पहली बार पेपर लीक हुआ था कैंसल हो गया था। 2015 में, 2 बार हुआ था पेपर, पता है आपको, हाँ पहली बार हाँ पहला पेपर मैंने दिया था, दूसरा पेपर मैंने दिया ही नहीं था मैंने भी सेम मुझे पता था होना है नहीं तो एक बार और देखे बेइज्जती करवानी है इतना एक बहाना मिल गया घर वालों को बोलने का। डर सेम गया मेरे साथ था भी यही हुआ था ना मैंने फिर वो दूसरा और घर पेपर वालों नहीं ने दिया पूछा था। कि एग्जाम दे दिया, घर हाँ वालों ने पूछा एग्जाम दिया, मैंने बोला हाँ, फिर रिजल्ट नहीं आ रहे, मैंने बोला नहीं आएंगे मैंने आज तक बताया नहीं कि रिजल्ट नहीं गया तो ऐसे ऐसे चीज तो सेम हुई थी मेरे साथ भी वो चीज तो है ऐसे।
और फिर जैसे अपना ये जो एफएमजी का जो रिजल्ट आया कि भाई उसके बाद, तो एफएमजी के बाद फिर अपन ने इंटर्नशिप के साथ साथ तो क्या प्रिपरेशन में स्ट्रेटजीज में क्या चेंजेस करे नीट पीजी के, फिर तरह टारगेट अपन ने किस हिसाब से करा फिर? एफएमजी पास हो गया ना, मैं बहुत खुश था। हाँ चलो कोई ना, तो 239 आ गए, सबने पढ़ाई कर दी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। 3 महीने बाद फिर इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया मैंने। शुरू शुरुआत में मुझे मेडिसिन सर्जरी और ऑब्जेनी दे दी, ये लेबर वगैरह, मेरा दिमाग खराब हो गया। 6 महीने तो मेरे बर्बाद हो गए, क्योंकि आप तो पढ़ने बहुत बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहता है। सही सबको पता बात, है जो इंडिया में काम करता है इंटर्नशिप में, ये तीनों सब्जेक्ट की जो इंटर्नशिप होती है वो 6 7 महीने, सबसे हेक्टिक चीज पीडियाट्रिक्स होती भी है। 7 महीने तो गए मेरे, ठीक है। और फिर मुझे टाइम मिला एक्चुअली पीएसएल, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी ऑफथाल्मो। ये जो मेरे को 3 3 महीने मिले हैं ना, एग्जैक्ट 3 महीने नहीं, 3 महीने से भी मैंने 2 महीने यूटिलाइज किए, क्योंकि 1 महीना मेरे इधर उधर होने में चला गया था कि दूं या ना दूं, नीट पीजी दूं या ना। वो होता है कि डिसाइड करने का एक फैक्टर रहता है, कि फिर यहाँ पे ये बवाल चल रहा था कि 2 साल का, 2 साल का हो गया, समझ नहीं हाँ, होता। ये हो जाता है कि एंग्जाइटी मैं बढ़ती टेंशन में आ जाती। गया, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कोई बोल रहा है 2 साल का हो गया, कोई बोल रहा है 1 साल का हो गया, क्या दिमाग खराब कर रहे हैं मेरे। तो जनवरी 7 में वो आया था, मतलब नीट पीजी देना है, वो ये आया था, फॉर्म आ गया था नोटिफिकेशन आपको का भरना है। फॉर्म आ गया। तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, हाँ मुझे देना है पक्का। तो 51 डेज थे मेरे पास, लिटरली 51 डेज थे, कि 51 डेज अच्छा, के अंदर मुझे पढ़ना है और एग्जाम देना। ओके, तो वही हिसाब किताब हुआ कि पीएसएम है, कोई डरना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, कोई नहीं बुलाने वाला, अगर बुलाएगा तो मैं उन्हें बोला था कॉल कर दिए, मैं ऑफ कर रहा हूँ सारे नंबर नंबर, वही घर में लॉक किया, घर को घर वालों को बोल गया खाने के लिए दे देना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वही सही बात। जो नोट्स थे वो पहले जो नोट्स थे वही, और मैंने चेंज नहीं किया सब्जेक्ट, अगर चेंज करता तो फिर तो मेरा जाता पूरा। मैंने बोला सही टाइम बात नहीं है चेंज करने के, जो मैं पहले से पढ़ रहा था वही नोट्स, और एमसीक्यू मैंने मेरो से किए थे एमसीक्यू। है। ओके, ठीक है। तो अपन एटलीस्ट कितनी रिविजन्स अपन ने करे फिर उसके बाद, क्योंकि अपन तो ऊपर क्योंकि सेम ही नोट्स कर रहे थे, कॉलेज टाइम में खत्म हाँ हो गए, फिर उसके बाद इंडिया आके फिर एफएमजीज के टाइम 4 5 6 बार 7 बार, तो उसमें रिविजन हो गया होगा उनका। अब ये एग्जाम से, नीट पीजी के एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन हुई थी, क्योंकि 51 डेज में 2 बार भी मुश्किल से हुई थी, मतलब एग्जाम पर के 3 दिन वो पहले मेरी नोट्स काफी दूसरा रिवीजन था। कंफर्टेबल हो गए होंगे ना आप तो, वो भी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं वो तो, वो हाँ तो मतलब आपके लाइफ के बड़े खतरनाक एसेट्स हो गए वो नोट्स तो। खतरनाक खतरनाक एसेट हो, सच में, मतलब आग भी बंद करता हूँ ना, मुझे याद आ जाता है कि उस पेज में ये उस लिखा है। पेज पे ये लिखा है, सही बात। मतलब ये आई थिंक जो लोग कॉलेज में हैं और वो कॉलेज में देख रहे हैं इस वीडियो को, ये चीज उनके लिए बहुत हेल्पफुल है कि अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हो और आपके पास 2 से 3 साल है तो आप ये चीज कर सकते हो। ऑब्वियसली जो फाइनल ईयर में है या 6 महीने 1 साल वाला बंदा तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो कर सके, क्योंकि वो तो नोट्स नहीं लिख सकता। हाँ, 2 3 साल अगर आपके पास है तो फिर आप ये चीज ट्राई कर सकते हो, और ये चीज आपको कितना हेल्प करेगी आगे जाके उसका जीता जागता एग्जाम्पल सामने है आपके आज, कि भाई अगर आप पहले से करोगे स्टार्ट कॉलेज से ही चीजें तो आपको आगे जाके, और अगर आपने स्टार्टिंग के 2 3 साल बर्बाद कर भी दिए तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने फर्स्ट ईयर में देखो पढ़ा भी होगा वो भी भूल जाएगा। सब सबका होता है, सबका ये, मतलब हाँ, जिससे बात करता ना सब बोलता है यार फर्स्ट ईयर कौन पढ़ता कौन पढ़ता ये कोई है फर्स्ट ईयर, तो रशियन समझने में निकल जाती सही बात है कि है, रशियन और रशियन उदाबरा दोनों को तो मुझे तो समझने में चली टेक्स्ट में जाती है। उदाबरा था बोलने में लगता था कि भाई मुझे तो लेफ्ट राइट सीखने में तू 3 साल लग गए दगावर दगावर में मेरी 2 साल गई है कि भाई थे। अल्लाह। वही तो बात है ना, इसीलिए वो तो चलो अगर आपकी स्टार्टिंग के साल बर्बाद हो भी गए, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो ऑब्वियसली स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा, बट अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में तो आप ये सोचना बंद कर दो कि भाई जो पुराना जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ो अब इतनी स्टार्ट करो। तो नीट पीजी के पेपर में और एफएमजी के पेपर में क्या डिफरेंस लगा? एक्चुअली मैं सच सच बात बोलूंगा, ठीक है। हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नीट पीजी इतना आसान होगा। एक्चुअली मैं ना लिटरली खत्म करके बैठा हूँ, सच में 2 घंटे हाँ में पेपर कंप्लीट हो गया मेरा। मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि फिर चेक कर लेता हूँ, फिर चेक कर लेता हूँ। मैंने बोला कोई फायदा नहीं, कितनी बार कर लिया मैंने, 2 3 बार कर लिया अच्छा, मैंने। 2 घंटे में पेपर खत्म हो गया था। हाँ 2 घंटे में खत्म हो गया था, क्योंकि यार वन लाइनर ज्यादा थे इस बार, मैंने नीट पीजी का देखा वन लाइनर बहुत ज्यादा थे, और एफएमजी वाले मोस्टली से इजी था पेपर। मैं बोलो जनवरी वाली जो पेपर आई थी ना एफएमजी की, हाँ उसे तो बहुत इजी था, और उससे हाँ 4 5 क्वेश्चन रिपीट हुआ था, रिपीट भी हुए थे। उसमें से ही रिपीट हुआ था। हाँ, मुझे भी ये चीज बोली,
वो चीज है। तो मेनली जो प्रिपरेशन, जैसे मेन इंटर्नशिप में जो इशू आता है ना, आप जैसे कि आपको ऐसा इंटर्नशिप में बहुत सारों का टूट जाती है ना कहीं प्रिपरेशन फिर, क्योंकि वो FMG खुशी इतनी होती है कि पढ़ाई होती ही नहीं है उस टाइप की चीजें। बिल्कुल बिल्कुल अब सही बात तो इस है। पूरी प्रिपरेशन फेज में अपने को ऐसा भी लगता होगा ना, कभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, या डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या करना है, मन नहीं हो रहा है, तो उस उन चीजों को कैसे हैंडल करते थे? मैं कह रहा ना, वो मेरे को एग्जाम डिसाइड करने के लिए मेरे को लग गया बहुत महीना, कि 6 महीने तो गए मेरे बड़े बड़े में, फिर 2 महीने मेरे खराब हो गए सिर्फ डिसाइड करने कि मुझे एग्जाम देना है। ठीक है, ठीक कभी है। मैं मन करता था या नहीं, दो नहीं देता हूँ, फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं ना, सोचते रहता हूँ सोचते रहता हूँ एग्जाम दूं या नहीं दूं, तो फिर लास्ट में मुझे फिर डर लगने लगा कि दे ही देता हूँ। अपॉर्चुनिटी अगर चला भी गया, अगर कल को कुछ नहीं होता है, कितना भी रैंक आता नहीं बताते किसी को, किसी सही को भी बात नहीं है, बताते कि एग्जाम दे रहे, छुपके से सही देते बात, मैंने सही बात है वो किसी चीज़ पे। को भी नहीं बताया कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। बाद में मुझे बोले भैया आपने एग्जाम दिया था, मैंने बोला हाँ यार, मुझे नहीं पता था कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ कि मुझे खुद डर लग रहा था। एक्चुअली फियर, मेरी मोटिवेशन पूरी पूरी लाइफ में फियर थी, पता नहीं खराब हो जाएगा पेपर और पता नहीं लोग तो ऐसे बदनाम ऐसे कर देंगे। डिप्रेस जब मन होता है ना, कि जब मन नहीं कर रहा है, डिप्रेशन हो रहा है उस टाइप, तो उस टाइप की चीजों में क्या मतलब करते थे भाई, कि मोटिवेशनल गाने सुन लिए या किसी से बात कर लिए, क्या चीजें वर्क करती थी आपके लिए? मोटिवेशन के लिए तो एक्चुअली मेरे लिए मोटिवेशन तो वो मतलब दोस्ती है, वही बोलते रहते हैं मेरे जो आसपास के एनवायरनमेंट, वो बोलते हैं यार तू मत छोड़ पढ़ना, ठीक है तूने अच्छा स्कोर किया है हमें पता है, तू छोड़ मत पढ़ाई करते रहे, उन्होंने बहुत बार बोला है, मतलब जो आसपास के उन्होंने बोला है, घर वालों भी बोलते रहते हैं यार पढ़ ले तो यार आपकी क्या फैमिली कर। वाले का मेडिकल बैकग्राउंड से? अच्छा हाँ पापा डॉक्टर है, मम्मी भी डॉक्टर है। अच्छा ओके ठीक है। सो एक तो एक क्वेश्चन ये है कि नीट यूजी में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका नीट यूजी में सिलेक्शन उस टाइम पे नहीं हुआ, या आप मतलब नीट यूजी या AIFMT जो भी था उसमें, उसमें अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, पर अब जाके हमने नीट PG में 884 रैंक स्कोर करी है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नहीं भाई तुम फॉरेन मेडिकल वाले हो, तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो बाहर गए हो, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है कि भाई एक बंदा ऐसा था जो नीट UG भी क्लियर नहीं कर पाया था, आज वो नीट PG में 884 रैंक ला रहा है, तो ये डिफरेंस कैसे आया? एक्चुअली डिफरेंस ना, मैंने अपने एक्चुअली पोटेंशियल होता है कि आप चीजों कैसे समझते हो। ठीक है, मैंने अपने आप को पोटेंशियली मतलब अपने आप को वीक समझता था कि यार तू कर नहीं पाएगा, अपने आप को रोक लगाता था। वैसे सोचते हैं यार, एक्चुअली FMG वाले क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि हम कम है शायद, कमजोर है इनसे, कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना आप कमजोर नहीं हो, आप जानते वो भी उतना ही पढ़े हो जितना आप पढ़ रहे हो, उनसे ज्यादा पढ़ रहे हो अब एक्चुअली थियोरिटिकली। आप देख लो कुछ नहीं होता, 1 साल लगता है सब कुछ जानने में, जितना भी प्रैक्टिकल्स है ना सारे इंटर्नशिप में कर लोगे 1 साल में सब कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को ना वो लिमिट मत कर दो कि नहीं हमें इतना पता है, कुछ नहीं है, तोड़ दो वो दरवाजा तोड़ दो, आप लिमिट ले लो, रैंक 1 भी ला सकते हो, वो ज्यादा ही दूर नहीं रहा, कोई आपको देखने मिल जाएगा भी 3 4 साल में, हैं बच्चे पढ़ने वाले, रैंक 1 सही मिल बात है, जाएंगे। सही तो बात है, बिल्कुल बिल्कुल वो चीज। FMG को कम कोई नहीं समझता, वो मेरे मेडिसिन के जो मतलब जिसके अंडर में काम करता था प्रोफेसर वगैरह, वो हैरान हो गए यार अनिकेत तूने यार क्या कर दिया मतलब वो खुद हैरान हो गए कि भाई यार सच में, मतलब एक्सपेक्ट तो था तेरे से लेकिन यार इतना 884 नहीं नहीं था एक्सपेक्ट किया उन्होंने पहला अटेम्प्ट में मैंने कहा मुझे खुद नहीं था, आपको क्या पता। वही बात है कि आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते हो, सही बात। ये मैंने एक्चुअली बहुत देर बाद समझा कि हाँ अपने आप में बिलीव करना सीखो कि आप भी कर सकते हो। सही बात है, मैं भी वही हूँ। इस स्माइल के पीछे का क्या राज है, मतलब जो हंसते ही रहते हो आप, काफी अच्छी स्माइल मैं हमेशा हंसते रहता लोग है। कहते इतना हंसता क्यों, मुझे क्या पता अरे अच्छी बात है यार, ये तो ऑब्वियसली। और लास्ट में जो जूनियर्स हैं जो कॉलेज में हैं या जो पढ़ रहे हैं, एक तो वो जूनियर्स जो अभी कॉलेज में हैं, और एक दूसरे जूनियर्स जो इंडिया में आ चुके हैं या जूनियर्स हो गए, या अपने साथ वाले मेरे जैसे लोग भी जो इंडिया आके अब जो PG ओके प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो पहले तो जो कॉलेज में उनके लिए कुछ गाइडेंस, और बाद में फिर जो इंडिया में उनके लिए। जो कॉलेज में है जो अभी मतलब फिलहाल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, चलो कोई नहीं मस्ती मजाक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप आ रहे हो फाइनल डिग्री की तरफ आपको पता चल जा रहा है कि
चलो कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा यार, अभी तो पता नहीं ये कह रहे कि नेक्स्ट आ रहा है, तो आपको तो सीरियस होना पड़ेगा कहीं ना कहीं आप एक टाइम पे। तो मैं क्या हूँ, अगर थर्ड ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी सीरियस है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना शुरू कर दो, कोई भी एक सोर्स चूज करो उसी को ही फॉलो करो टिल द एंड। ये नहीं कि आप वहां से कर रहे ये भी ले लिया वो भी ले लिया वो भी ले लिया और कुछ नहीं कर रहे, और नोट्स भी खरीद लिए वो भी पढ़े हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग नोट्स खरीद लेते हैं, सबके पढ़ा खरीद रहता लेते है हैं सबके, लेकिन होता है पढ़ते कुछ ऐसा। नहीं, धूल जमी रहती है। मैं जाता हूँ चेक करता हूँ भाई ये तूने उठाया लेकिन धूल पर धूल की परत एक जमी रहती है उसके। अरे यार टाइम नहीं मिला, अगर टाइम नहीं मिला तो क्यों लेना खरीदना है, तो पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, आप पैसे समय भी बर्बाद हो रहे हैं, आपसे क्लियर भी नहीं हो रहा, फिर तो कोई फायदा नहीं ना। मैं कहता हूँ एक सोर्स चूज करो, कोई बात नहीं, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो पहले बुक से पढ़ रहे थे, अगर अच्छे बच्चे हैं जो बुक से पहले पढ़ते कोई दिक्कत नहीं है, आप रिव्यू बुक देखो, या फिर आपको अगर ऑनलाइन पढ़ने में जा रहे हो ऑनलाइन पढ़ो, या फिर अगर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से ज्वाइन कर लो, सारे हैं, लेकिन एक कोई भी एक माध्यम चूज करो और उसी से ही करो टिल द एंड पूरा लास्ट तक। और जो फाइनल अभी जस्ट पास होके आने वाले उनके पास टाइम नहीं, अगर कुछ किया ही नहीं है उन्होंने जिंदगी में, कुछ किया है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मस्ती की है और अभी उन्हें टेंशन आ रही कि जाके एग्जाम देना है, तो मैंने कहूँ यार फिर तो नोट्स ही खरीद लो। लेकिन अगर कोई भी एक प्लेटफॉर्म लो ठीक है, मतलब आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ये नहीं मैंने किसी को बदनाम कर रहा हूँ कि किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन सारे अच्छे हैं ठीक है, थीके? वो सिर्फ आपके उन पे डिपेंड करता है जो पढ़ने वाले हैं समझने वाला, ये सब अच्छे हैं, एक प्लेटफॉर्म चूज करो और उसी के रिपीट रिविजन करो और एमसीक्यू करो, 5-6 महीने आपके पास है एग्जाम के लिए, इतने में काफी है। और जो आ गए हैं एफएमजी भी क्लियर हो गया है इंटर्नशिप में है और नीट पीजी के लिए है, तो मैं तो उनको यही बोलूंगा कि आप कर सकते हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचो कि आप कमजोर हो, आप बहुत ज्यादा जानते हो और आप भी कोशिश करोगे तो अच्छा रैंक आ जाएगी, वो मेरी तरह की सोचोगे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे हम ज्यादा थोड़ा जानते हैं इनसे, ऐसा नहीं होता है, तुम जानते हो बहुत ज्यादा जानते हो, ये दिन दूर नहीं है कि रैंक वन भी मिल जाए आपको, है कि नहीं, 1000 के तो अंदर तो उसमें आ गए आप। एक तो मेन तो ये कि एफएमजी से जो नीट पीजी का ट्रांजिशन है थोड़ा सा टफ इसलिए भी पड़ जाता है कि एफएमजी में एनसीक्यू प्रैक्टिस अलग टाइप की होती है, क्योंकि वहां पे आप तुक्के भी मार रहे हो तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है। नीट पीजी में एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए थोड़ा कुछ सजेशन। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 51 डेज थे लिटरली प्रिपरेशन करने के लिए, मैं सुबह उठता था 100 क्वेश्चन कर रहा था, कि जैसे पढ़ने से पहले मैं हमेशा 100 क्वेश्चन कर रहा था, फिर धीरे धीरे 200 200 हो गए दिन, तो एमसीक्यू आपको डेली सॉल्व करना है और नेगेटिव मार्किंग है समझ के आपको छोड़ना नहीं है। मैं कहता हूँ हमेशा एग्रेसिवली जाओ, एग्रेसिव कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको एग्रेसिवली सॉल्व करना चाहिए, ये नहीं कि डिफेंस मोड में ये छोड़ो, अपन ने जो कितने अटेम्प्ट छोड़ते ना करे? जाता। मैंने 193 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 168 या 169 समथिंग सही हो ठीक हुए गया। हैं ठीक है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट करना, मतलब जो ज्यादा अटेम्प्ट करता है ना और ज्यादा एग्रेसिवली करता है उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, आप देख लेना कोई भी हाई रैंकर यही बोलेगा कि हम अटैकिंग मोड में, मतलब एग्रेसिवली हमें सॉल्व करना है, हमें सही पता है हम करेंगे ठीक बात है, सही है, कॉन्फिडेंस बात। मतलब उस तरह की कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो एट लास्ट आपको देखने मिलेगा एक पॉइंट पे कि हाँ आप रीच कर चुके हो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है, ये नहीं कि अगर जो रैंक एक लाना पर्टिकुलर, है तो ऑब्वियसली फिर उतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप 150 160 अटेम्प्ट करोगे तो वैसे भी नहीं आना है फिर। नहीं आए क्योंकि वो आपने देखा होगा सुना होगा कि 162 165 के बीच में जिसका, मतलब 160 से 165 जिसका सही हुआ है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा मतलब गैप है, 5000 से 10000 रैंक के बीच में, दस हजार मतलब तक समझ रहे ओके बहुत बड़ा वही गैप, चीज है 5000 रैंक के गैप होगी, आपकी, मतलब आपकी जो ब्रांच आप सोच रहे हो उससे बहुत पीछे चले जाओगे आप। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज तो है। कोई नहीं। और अब हम एफएमजी में क्या सीखते हैं, एफएमजी में सीखते हैं कि आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आना है, लेकिन छोड़ना नहीं, एक भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पे आपको जो नहीं आता आपको पता है कि ये आप गलती होगा ही होगा वही छोड़ना है, वही छोड़ना है। और आपको बाकी अगर नहीं आप पता मतलब है कहीं भी अगर आपको दो ऑप्शन में भी अगर आपको लग रहा है तो फिर उसको मार ही दो। हाँ उसको मारना है आपको, क्योंकि 50% चांस रहता है, और ये नहीं कि छोड़ के आ गया आप, सिर्फ आपको उन्हीं को छोड़ना है जिसमें आप चारों ही ऑप्शन में आपको डाउट चल रहा है, बस उस चीज को, बिल्कुल वो होते है हैं ना। दिमाग से पार हो जाते, नहीं पता है नहीं पता नहीं पता, कंट्रोवर्सी क्वेश्चन एक होते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, लेकिन आपको लग रहा है कि आप चांस लेना चाहते हो, मैं आपके अंदर से एक आती है फीलिंग कि मैं चांस लेना चाहता हूँ,
तो ले लो, अगर नहीं आ रही कि नहीं यार गलत हो जाए छोड़, वो बिल्कुल धीरे धीरे डेवलप होता है। जो जो एमसीक्यू डेली डेली करोगे ना, थोड़ा थोड़ा बिल्ड अप हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली हाँ आदत पढ़ना पड़ता है है। कि अब आप उस चीज को ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके करोगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा वो तो। ना ना ना। वही चीज है। टोटल बटे कितने मॉक दिए थे नीट नीट पीजी पीजी के? से पहले, नीट हाँ पीजी से पहले मैंने 5 दिए थे, और ओके लास्ट मॉक में मेरे कितना आए थे, 595 आए थे, फाइव ओके। नाइनटी फाइव उस मार्क्स मॉक आए में थे। क्या रैंक रहती थी? मॉक में आई थी 973 ओके ठीक है, लास्ट वाले में मतलब लास्ट वाले, उसके और आसपास ही उससे आई है हाँ लगभग उससे पहले मतलब 2500 रैंक से अंदर ही था मैं हमेशा मॉक में, अब। अच्छा ठीक लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं होता था। है ठीक। वही बात आ गई कि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। कमजोर समझते हैं, सही बात। मतलब वही चीज है वो, अगर आप अपने आप से करोगे तो चीजें हो ही जाती है, इतना कोई वो नहीं है। मतलब कोई एक पेपर देखे तो मैंने भी ये चीज बार सोची, लगा मुझे वो चीज के जितना सोचते हैं उतना टफ नहीं, FMG आजकल बिल्कुल, इससे ज्यादा टफ हो गया है। FMG और नीट पीजी सेम पेपर, मैं तो सेम एक ही बात पेपर, बोलूँ, हाँ दोनों हाँ सेम बोलो। पेपर है, सेम इसमें नेगेटिव पेपर मार्किंग होती है, उसमें उसमें नेगेटिव 300 बोल मार्किंग, देते हैं आपको कि आपको बस अटेम्प्ट करना है, सही बात है, यहाँ पे सही अटेम्प्ट भी बात करना है। है, सोच समझ के करना है। बस आपको थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वो एक क्वालिफाई एग्जाम है, ये कंपटीशन वाली एग्जाम है, तो ऑब्वियसली भाई थोड़ा सा बिल्कुल, डिफरेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब क्या प्लानिंग से अपने आगे? अभी 4 महीना रुकते हैं, फिर ये काउंसलिंग है, सोचा है कि BHU ज्वाइन करूंगा, अच्छा दिल्ली क्यों? जाने के लिए घर वाले मत मान नहीं रहे कह रहे दिल्ली में बर्बाद हो जाएगा छोरा बिगड़ जाएगा छोरा। तो मैंने कही अरे यहाँ भी कौन सा में सुधर गया घर वालों सही को बात होता है कि पास रहे, कहीं भी रहे पास रहे, तो इतनी मुश्किल से तो उन्हें पटाया कि BHU, ठीक है उससे आगे नहीं जाने दे यहीं पे बस। बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिकेत, आई थिंक बहुत सारी चीजें बिल्कुल आपने शेयर करी आज हमारे साथ, आई थिंक बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, बहुत सारे जो जूनियर्स है खासकर उनको जो कॉलेज टाइम में है, कि अभी ये प्राइम एग्जांपल है आपके सामने कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाई चालू कर दोगे तो आपको बहुत कुछ फायदा होगा। हमारे टाइम पे हमको कोई ये चीज बोलने वाला नहीं था, बट आपको एटलीस्ट अभी से ये कोई चीज नहीं, पता चल रही है, तो आप इस चीज को यूज करो और इस चीज को लेके आगे बढ़ोगे तो बेस्ट आपके लिए मिलेगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।